हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है। इनको मैंने धोकर साफ करके अच्छे से छील कर रख लिया है। और ये 1 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम, और ये आधा कटोरी चीनी ली है, स्वाद अनुसार अपनी चीनी ली है। ये जो गाजर है इनको मैं कद्दूकस से घिस लेती हूँ इस तरीके से। कद्दूकस किया हुआ गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैं कद्दूकस करके ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। ये मैंने सारी गाजर को कस लिया है। और अब मैं इसमें एक भारी तले वाली कढ़ाई में इसको डाल देती हूँ इस तरीके से। हम इसमें से सारी गाजर डाल देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके इस पर कढ़ाई रख देंगे। ये हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें ये मैं दूध डाल दूंगी। ये मैंने मलाई सही थी, सारा दूध डाल दिया, 1 लीटर दूध। दूध में उबाल आ गया है। अब इसको इस तरीके से चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। गैस को हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। देखो हमारा ये कितना दूध जल गया है। अब हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। दूध हमारा बहुत सारा कम हो गया है। ये हलवा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता और ना ही इतने हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह साइड को हम साफ करते रहेंगे और इस तरीके से हम नीचे तली तक इसको चलाते रहेंगे। देखो ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है। अब इससे छींटे लगनी शुरू हो गई हैं, इसलिए हमको इसको चलाते ही रहना है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे। वो देखो इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये हमारा दूध जब मावे में कन्वर्ट हो गया है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। देखो बहुत ही टेस्टी हलवा बन गया है। इसमें जो ये हल्का सा दूध है इसको भी हम जला देंगे। देखो अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से एक कटोरे में निकाल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हलवा बनके तैयार हो गया है। आप भी इस पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अब हम इस पर ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बना है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। अब एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि हलवा आपको कैसा लगा।